माना जाता है कि विकास की धुरी औद्योगिकीकरण है, लेकिन औद्योगिकरण का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि पर्यावरण के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है। चाहे उद्योग से निकलने वाला जहरीला धुआं हो या किसानों के कृषि अवशेष को जलाने का मामला हो, अक्सर एनजीटी या अन्य संस्थाएं जो है प्रदूषण को लेकर सरकार और किसानों को घेरती रहती हैं। लेकिन बागपत में एक किसान ने ही एक ऐसा संयंत्र लगाकर एक मिसाल कायम कर दी है जो न सिर्फ प्रदूषण को खत्म करता है बल्कि सरल भाषा में कहा जाए तो प्रदूषण रहित कोयले का निर्माण करना शुरू किया है। यह प्रदूषण रहित अब बागपत के किसानों को अपने कृषि अवशेष जलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बागपत के एक किसान ने कृषि अवशेषों से ऑर्गेनिक कोयला बनाने का एक प्लांट लगाया है जो कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी तरह का एक अनोखा और एकमात्र प्लांट है जिसमें कृषि अवशेष से ऑर्गेनिक कोयले का निर्माण किया जा रहा है। कोयला जिसका इस्तेमाल एनटीपीसी के अलावा विदेशों तक भी किया जा रहा है और बागपत के इस ऑर्गेनिक कोयले की धमक विदेशों तक में दिखाई दे रही है। दरअसल यह एक कृषि अवशेष से बनने वाला एक पदार्थ है जिसको जलाने के काम में लाया जाता है, ज्वलनशील है और इसके जलाने से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। कृषि अवशेषों से तैयार होने वाला ये ऑर्गेनिक कोयले का प्लांट बागपत में कोताना गांव में लोहारी गांव के किसान देवेंद्र सिंह ने स्थापित किया है। आपको बता दें कि इस संयंत्र में किसानों के कृषि अवशेषों को अच्छे दामों पर खरीदा जाता है और उस कृषि अवशेष से एक ऐसा प्रदूषण रहित उत्पाद तैयार किया जाता है जिसका वैज्ञानिक नाम पैलेट या फिर ब्रिकेट है, जिसकी खपत बड़े कारखानों की जाती है। जी हाँ, सही, पहले जिन पावर प्लांटों को सिर्फ प्राकृतिक कोयले से चलाया जा रहा था, अब उन प्लांटों को कृषि अवशेषों से तैयार कर इसे ऑर्गेनिक कोयले से किया जा रहा है। एनटीपीसी प्लांट के अलावा विदेशों तक में इसकी आपूर्ति की जा रही है। परिचय जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम देवेंद्र सिंह और मैं वैसे लोहारी गाँव से बिलोंग करता हूँ और काफ़ी समय से बड़ौद में रह रहा हूँ। वहाँ पर रह के बच्चे पढ़ाए, उसके बाद में बच्चे कामयाब हो गए। मैंने सोचा भाई बुढ़ापे का कुछ सहारा होना चाहिए और किसी लोगों को रोज़गार भी मिलना चाहिए, तो उसके बाद में मैंने क्या सोचा कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट ढूंढा जाए जो अलग ही तरह का हो। ये प्लांट मेरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहला प्लांट है, इसके अलावा कोई प्लांट नहीं है और ये जो प्रकृति हजारों साल के खरपतवार को जमीन में दबा के हीट दे के बनाती है, हम उसको ऑटोमेटिकली बराबर बराबर उसको बनाते रहते हैं और मेरा लगभग 100 टन पर डे का मेरे कैपेसिटी है और मेरे पास 50-100 आदमी डेली काम करते हैं। देवेंद्र जी, इसमें लगभग जो है जो आप ये लेते हैं, इसे कैसे बनता है ये जो भी कृषि अवशेष है, कुछ भी है, प्लास्टिक छोड़ के जो पोल्यूशन नहीं फैलाती, प्लास्टिक छोड़ के कुछ भी कृषि अवशेष है उससे उसको हम खरीदते हैं किसानों से, किसानों की आय भी बढ़ती है। मोदी जी के अनुवाहन पे हमने ये काम किया था कि किसानों की आय बढ़े और हम भी कुछ अर्न कर पाए। अच्छा, इसका जो है अगर इसकी बात करें, साइंटिफिक नाम क्या है इस प्रोडक्ट का आपके? इसके दरअसल क्या है, इसको 6 mm से लगा के और 60 mm तक तो बोलते हैं पैलेट, उसके बाद में 70, 80, 90 इसको बोलते हैं ब्रिकेट। देवेंद्र सिंह बताते हैं कि वो किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और वो कुछ ऐसा काम करना चाहते थे जिससे किसानों की आय भी बढ़े और प्रकृति को प्रदूषण की मार भी ना झेलना पड़े। उन्होंने इसी उद्देश्य से ये प्लांट लगाया है जिसमें आज करीब 150 मजदूरों को रोजगार मिला है, साथ ही किसानों को भी लाभ मिल रहा है। इस प्लांट को लगाने में सरकार से उन्हें अनुदान भी मिला है। देवेंद्र सिंह का कहना है कि युवाओं को इस व्यवसाय से जोड़ना चाहिए ताकि किसानों को तो फायदा मिले ही साथ ही पर्यावरण को भी बचाया जा सके। इसके अलावा इसकी आपकी सप्लाई कहाँ कहाँ है? मेरे ऑल ओवर इंडिया ज़्यादातर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे मैं बच्चों को भी भविष्य में, मेरी तो खैर उम्र हो चुकी लेकिन जो बेरोजगार बच्चे हैं मैं उनके लिए ये एक आह्वान करना चाहता हूँ, इस रोज़गार से जुड़ें और इसकी 1,05,000 पर डे, 1,05,000 टन पर डे की तो कैपेसिटी मतलब खपत एनटीपीसी में है, उसके अलावा पब्लिक में भी इससे डबल है कम से कम। इसको अगर भट्टों पर जलाया जाए? भट्टों पे सो फार सो बेस्ट, ये मेरा नेपाल तक जाता है, नेपाल भूटान बंगाल आसाम सब भट्टों पे जाता है, लखनऊ में टोटल भट्टे इससे चलते हैं। अच्छा, तो आपका जो सप्लाई है एनटीपीसी में भी सप्लाई है? एनटीपीसी में भी सप्लाई करते हैं हम, दादरी करते हैं, पानीपत करते हैं, झज्जर करते हैं,
और तुम्हारा इटवा, अलीगढ़ और सिंगरौली, एमपी में नागपुर और छत्तीसगढ़ तक मेरी सप्लाई जाती है। बागपत के कोताना गांव में लगा हुआ ये प्लांट फिलहाल 100 टन प्रतिदिन के हिसाब से उत्पादन कर रहा है और कहीं ना कहीं इसके जो मालिक हैं उनका कहना ये है कि यदि तमाम लोग इस कोयले का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो प्रदूषण एनसीआर में प्रदूषण की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। विवेक कौशिक, पंजाब के सीटीवी, बागपत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।